तो गाइस कैसे सो यू, वेलकम टू कम्युनिटी चैनल नेक्स्ट गेमर। पर आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला गाइस एक और नया अपडेट के बारे में। बाकी आप मेरे ऊपर एक वार्डन हेलमेट देख पा रहे होंगे जो कि गाइस मेरा नहीं है, ये मेरे एक दोस्त का है जिससे मैंने जब तक इंट्रॉक्स था तब तक मैंने लिया था, ताकि मैंने सोचा था ज़ॉम्बी स्लेयर ग्राइंडिंग थोड़ी सी और आसान हो सके, जो कि हुई भी, लेकिन मैंने फिर भी एक भी हार्ड ड्रॉप नहीं किया। बाकी ये तो मेरी किस्मत है गाइस जो मैंने एक भी हार्ड ड्रॉप नहीं किया उन सब के बावजूद भी। बाकी यहाँ गाइस इस वीडियो के अंदर मैं अपना दुख नहीं बताना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना वाला हूँ गाइस नया अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस, नया अपडेट एक और आ चुका है इस ब्लॉग के अंदर जिसके बारे में बहुत टाइम से चर्चा हो रही थी सबके बीच में, लेकिन हाँ गाइस वो अपडेट अब जाके आया है। हाँ गाइस, बहुत लोगों ने गैस नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं अभी बता देता हूँ कौन सा अपडेट आ जाएगा। सो गाइस, आपको हब से यहाँ पे आ जाना है और इसके बाद आपको इस तरफ जाना है। यहाँ पे आपको जंगल दिखेगा तो आपको इस तरफ जाते रहना है गाइस, और आपको ये पाथ जो है ना इसको भी आप फॉलो कर सकते हो वैसे बताऊँ तो सही। फिर आपको यहाँ पे भाई मैं खुद बिल्डिंग तो नहीं भूल गया ना, नहीं मैं शायद तक नहीं भूल सकता, हाँ ये रही। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी गाइस, एक ये बहुत टाइम से, लेकिन हाँ गाइस अब इसका काम हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे म्यूजियम न्यू जोन डिस्कवर्ड हो चुके हैं गाइस, म्यूजियम ऐड हो चुका है और यहाँ का NPC भी ऐड हो चुका है, और वहाँ पे भी एक NPC ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस बहुत लोग गलती कर सकते हैं इसमें कि गाइस जैसे कि आपका आर्मर या फिर कुछ भी टूल वगैरह हो, तो सबसे पहली बात आप इसमें म्यूजियम में डाल के वापस ले सकते हो। उससे आपका क्या होगा, आपको इसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेंगी, लाइक हेल्थ वगैरह वगैरह, हेल्थ डिफेंस, HP वगैरह, मतलब हाँ अटैक वगैरह भी आपको ज़्यादा हो सकता है इन सब चीज़ों से, तो इसका फ़ायदा है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना सब अपने इसमें बाउंड मतलब इसमें डाल देंगे और कर लेंगे। लेकिन हाँ गाइस, इसके एक साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि अगर ये मेरे दोस्त का वार्डन हेलमेट है ये वाला, अगर मैंने इसको इसके अंदर म्यूजियम के अंदर एक बार के लिए डाल दिया तो दूसरी बार तो उसके बाद मैं ये वार्डन हेलमेट को कभी ना ही ट्रेड कर पाऊँगा, ना ही किस ऑक्शन हाउस वगैरह में कहीं पे भी सेल कर पाऊँगा, क्योंकि ये आइटम अपना बाउंड हो जाएगा अपन से। अब बाउंड मतलब ये होता है गाइस कि ये आइटम जैसे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में होता है ना कर्स ऑफ बाइंडिंग आर्मर के अंदर, मतलब वो निकलेगा नहीं, तो हाँ गाइस ऐसा ही इसमें भी है, वो आइटम फिर आपसे कभी भी दूर नहीं जा सकता, आप चाहे कितना भी पीछे छुड़ाओ। हाँ आप वॉइड वगैरह में फेंक सकते हो, लेकिन फिर भी आप किसी को दे वगैरह नहीं सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो ऐसा कोई भी आइटम को इसमें मत डालना जिसको आपको सेल वगैरह करना हो फ्यूचर में, जैसे कि मेरा नेक्रॉन आर्मर है तो उसको तो मैं कभी भी फ्यूचर में सेल नहीं करूँगा, तो ये जैसे कि है मेरा नेक्रॉन आर्मर तो इसको मैं कभी सेल नहीं करने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। वेलकम नेक्स्ट गेमर, ये देख लो गाइस इसने भी इस चीज़ का जिक्र कर दिया है कि जो भी तुम मुझे आइटम डोनेट करोगे, मतलब डोनेट नहीं मतलब आपको वापस मिल जाएगा वो आइटम, लेकिन हाँ गाइस ये आपके साथ यहाँ पर देख सकते हो सोल बाउंड लिखा हुआ आ रहा है, तो सोल बाउंड हो जाएगा, तो इसने पहले ही बोल दिया चूज़ केयरफुली, मतलब ध्यान से चूज़ करना जो भी करना, उस आइटम को आप बस सिर्फ और सिर्फ कोक को, मतलब अपना आइलैंड पे जो रहता है उनको दे सकते हो या फिर किसी और को, बाकी वो कोक भी किसी को वो सेल वगैरह नहीं कर पाएगा, तो इस चीज़ का सोल बाउंड हो जाता है। तो सबसे पहले आर्मर में जाता है और इसको कर देता हूँ, यू डोंट हैव ऑल ऑफ द आइटम्स फ्रॉम दिस लिस्ट इन योर इन्वेंटरी। ओके गाइस, तो मतलब इसमें मैंने भी नहीं सोचा था क्योंकि मैंने ज़्यादा इसकी चीज़ें देखी नहीं है, लेकिन अगर आपको आर्मर को किसी को करना है तो आपको फुल आर्मर लगेगा, जैसे कि मेरा रीपर आर्मर है मेरे पास फुल पड़ा हुआ, उसका हेलमेट यहाँ पर कहीं मिल जाएगा ये, और बाकी आर्मर यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को, हाँ बस इसको उतार देता हूँ मैं, इसको पूरे ही उतार देता हूँ मैं एक खंग में। तो हाँ बस आप देख पा रहे हो वार्डन डोनेशन द अबव आइटम टू योर म्यूजियम मार्क्स इट एज सोल बाउंड, तो हाँ बस ये सोल बाउंड हो जाएगा
तो मैं इसको कर भी देता हूँ सोल बाउंड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सोल बाउंड हो चुका है। यू हैव अर्नड अ रिवॉर्ड फॉर डोनेटिंग एन आइटम, क्लिक हियर टू क्लेम इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 3 हेल्थ मिली है, तो मैं इनको क्लेम कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आपको भी रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। बाकी मैं अपना आर्मर क्लेम कर लेता हूँ पहले। मुझे नहीं देना भाई इसको परमानेंटली अपना आर्मर। तो गाइस ये अपना आइटम अब सोल बाउंड पूछ नहीं, वैसे पूरा नहीं हुआ है, सॉरी, मेरे को एक एक करके सबको सोल बाउंड करना पड़ेगा शायद से, या फिर देखते हैं। बूट को भी अच्छा, तो सब सोल बाउंड एक साथ में ही हो जाता है। ओके गाइस, तो ऐसा आप सोल बाउंड वगैरह कर सकते हो और ऐसे ही मतलब आप इसमें रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हो। ओके गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब अच्छा कर देना। बाकी गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक लगा।